सुप्रभात बच्चों, आज मैं सरिता शर्मा आप लोगों के सामने समास पाठ जो है वो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हम उसकी परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जानेंगे। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात किसी भी शब्द को छोटा करके लिखना है, जो है वो समास कहलाता है। तो दो, अभी हम उसकी परिभाषा जानेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक, मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसको समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर। हम और भी कई उदाहरण जानेंगे, जैसे गिरह को काटने वाला, मन से चाहा, देश से निकाला, और संदेह के बिना। और सामासिक पद। सामासिक पद मतलब समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक पद कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। जैसे समास होने के बाद इनकी विभक्ति चिन्ह का लुप्त हो जाता है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर रसोई के लिए घर मैंने आपको पहले बताया, तो जब हम उसको सामासिक पद बनाएंगे तो रसोई घर कर देंगे, तो उसका जो के लिए विभक्ति है, के लिए विभक्ति, वो आपका लुप्त हो जाएगा, वो नहीं रहेगा, तो उसे कहा जाएगा सामासिक पद। समास विग्रह किसे कहते हैं? जब जो सामासिक पद होता है, शब्द होता है, उनके दोनों शब्दों के बीच में संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। हमने राज और पुत्र इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित किया, तो वो निकला राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, मतलब दो शब्द होते हैं। जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद, और जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों का दिया है गंगा जल, है ना, यहाँ पर हमने दिया है, यहाँ पर देखो गंगा जल। तो इसमें गंगा जो है वो आपका पूर्व पद है, और जल जो है वो आपका उत्तर पद है, आपका उत्तर पद है गंगा जल। उसके बाद बच्चों हम आएंगे समास के भेदों के विषय में पढ़ेंगे। इसमें छह प्रकार के समास होते हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो अव्ययीभाव समास में जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है, और उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथामति, आमरण, तो आ और यथा यहाँ पर अव्यय है। उसी तरह तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, यहाँ पर तुलसी द्वारा कृत, कृत मतलब रचित, तो इसका जो पूर्व पद है कृत, रचित, रचना, वो प्रधान है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और इसमें हम और, अथवा या एवं लगाते हैं जब हम इसका विग्रह करते हैं। जैसे माता पिता, जब ये सामासिक पद होते हैं तो इसमें हम लगा देते हैं योजक चिन्ह, और जब अलग करते हैं तो माता और पिता, मतलब दोनों ही पद आपके यहाँ पर माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान। बहुव्रीहि समास में क्या होता है बच्चों? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, अर्थात ना पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि समस्त पद जो निकल के आता है उसके अतिरिक्त और एक सांकेतिक अर्थ होता है, वो प्रधान होता है। जैसे दशानंद, दस है आनंद जिसके, ब्रैकेट में जब हम लिखेंगे रावण, तो रावण वाला जो पद है वो प्रधान है। तो जब भी बहुव्रीहि समास का करना हो तो उसे अलग करना, उसके ब्रैकेट में उसका नाम लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद में कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह समास जिसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, और या पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जो, तो जो कंठ नीला है वो है कर्मधारय समास। यहाँ कंठ की विशेषता है कि वो नीले रंग का है, ठीक। अगर नीलकंठ को हम लिखेंगे नीला है कंठ जिसका, और ब्रैकेट में जो अगर उसका तीसरा मीनिंग लिख दिए, किसका नीला कंठ है? शिव, सिर्फ शिव जी का ही कंठ नीला है, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। उसके बाद द्विगु समास, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण, और समस्त पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध करता है, तो हम उसे कहते हैं द्विगु समास। अब हम इन सब के बारे में पूरा डिटेल्स में हम अब आगे चलकर आगे
की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो पहला है अव्ययी भाव समास। तो हम कैसे जानेंगे कि एक शब्द जो है वो अव्ययी भाव है, अव्ययी समास है बोल के हमें कैसे पता चलेगा? ना, इसमें जो समस्त पद होता है वो अव्यय बन जाता है, अर्थात समास होने के बाद उसका रूप जो है कभी नहीं बदलता है, इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता है। आइए मैं आपको उदाहरण के साथ बताती हूँ, ठीक है? बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए, आजीवन जीवन भर, यथा सामर्थ्य सामर्थ्य के अनुसार, यथा शक्ति शक्ति के अनुसार, यथा विधि विधि के अनुसार, यथा क्रम क्रम के अनुसार, भर पेट पेट भरकर, हर रोज मतलब रोज रोज, हाथों हाथ हाथों ही हाथ में, इस तरह जो होता है वो होता है आपका, ये सब है अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर देखो आप, आजीवन, आ एक उपसर्ग भी है, आप यहाँ से भी जान सकोगे कि जिस शब्द के आगे में अगर उपसर्ग लगा हुआ है तो वो अव्ययी भाव समास है। जितने भी उपसर्ग हैं वो सब अव्यय के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद में बच्चों हम जानेंगे तत्पुरुष समास के बारे में, हम पढ़ चुके हैं। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, 6 भेद हैं तत्पुरुष समास के। अभी यहाँ पर हम ज्ञातव्य मतलब जानने योग्य बात यह है कि विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वह समास होता है। जैसे कर्म तत्पुरुष, इसमें गिरह कट गिरह को काटने वाला, तो को जो है वो कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक का चिन्ह है, तो ये हो गया कर्म तत्पुरुष। मन चाहा, मन से चाहा, से जो है मतलब मन के द्वारा चाहा, से जो है ये करण कारक का चिन्ह है, तो ये हो गया करण तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है, तो ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में देश से निकाला, विच्छेद अर्थ में बोला जा रहा है से, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष। और गंगा जल, गंगा का जल यहाँ संबंध बता रहा है गंगा और जल के बीच में, तो संबंध तत्पुरुष। अधिकरण में और पर होता है चिन्ह कारक का, तो नगर वास नगर में वास, अधिकरण तत्पुरुष। एक और तत्पुरुष समास होता है जिसे हम कहते हैं नंज तत्पुरुष, माने जिस समास का पहला पद निषेधात्मक होता है, जिसे असभ्य मतलब जब हम इसे विग्रह करेंगे तो लिखेंगे न सभ्य, अनादि अन प्लस आदि अनादि मतलब न आदि है ना, तो न समास विग्रह में उसका निषेधात्मक होगा, वो होगा नंज तत्पुरुष, ठीक है? तो कर्मधारी समास मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारी समास कहते हैं। जैसे देह लता, देह रूपी लता, नील कमल, नीला कमल, सज्जन सत्यजन, ये हुआ दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, ये दही में डूबा, ये हुआ उसका विशेषण, ठीक है? उसके बाद द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे दो पहर, दो पहरों का समाहार, चौमासा चार मासों का समूह, शताब्दी सौ अब्दो मतलब 100 वर्षों का समूह, माने समाहार समूह को वो दर्शाता है, वो हुआ द्विगु समास। उसके बाद द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर हम और अथवा या एवं लगाते हैं वो होता है द्वंद्व समास। जैसे पाप पुण्य, देखो यहाँ पर योजक है समस्त पद में और विग्रह जब किया तो और लगा हुआ है, ठीक है? तो वो हुआ द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास में जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई दूसरा सांकेतिक अर्थ प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। दशानन दशे आनन मुख जिसके अर्थात रावण, ठीक है? तो ये हुआ बहुव्रीहि समास। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर यही है कि कर्मधारय समास जो है आपका वो मतलब उसमें हमको जो लिखना होता है, ठीक है? तो बच्चों ये आपका समास के बारे में था, आप लोग इसे ध्यान से सुने और अभ्यास करें, कहीं से भी नेट से हो बुक से हो आप लोग उसे अभ्यास कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आप लोग स्वस्थ रहें सुखी रहें।